हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग प्रेप सीरीज। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि यू नो आई एम लीविंग ऑन 15th मार्च, सो आज 15th मार्च है। शायद ये व्लॉग आप थोड़ा बाद में देखोगे, शायद मेरे शो के एक दो दिन पहले, बिकॉज एडिटिंग में टाइम लगता है। यू नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो आज 15th मार्च है और आज मैं थाईलैंड प्रो क्वालिफायर शो के लिए यहाँ से निकल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला लास्ट टाइम कि मैंने क्या क्या कैसे मैं मील कैरी करूँगी और क्या क्या थिंग्स मैं मेरे साथ कैरी करने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी। सो लेट्स गो ट्रेडमिल। ऑफकोर्स आई एम नॉट कैरिंग दिस, बट मैं बोलना चाहूँगी कि इस ट्रेडमिल पे मेरा खून पसीना बहा है फ्रॉम लास्ट 7 मंथ्स। आई एम गोइंग टू कैरी दिस शूज एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़, मेरी रूम कम्प्लीटली मेसी है बिकॉज जाने के चक्कर में यू नो सब इधर उधर हो रहा है। सो दिस इज़ माई बैग। जनरली इतना स्टफ मैं कैरी नहीं करती हूँ, बट दिस इज़ इंटरनेशनल शो, सो यू नो आई वॉन्ट टू बी लिटिल एक्स्ट्रा यू नो पर्टिकुलर एंड केयरफुल। जो भी चीज़ें से आई है मैंने वो सब इसमें ले लिए। लाइक ये मेरा वेस्ट ट्रेनर है, एक्स्ट्रा क्लोथ्स है, जिम के क्लोथ्स, कार्डियो क्लोथ्स, पोजिंग बिकनी है, यू नो हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, मेकअप एंड व्हाट आर द थिंग्स लाइक थेरा बैंड्स, वायर कॉर्ड। और तो और मैंने साबुन और कोलगेट भी कैरी किए बिकॉज मुझे पता है आज 15th मार्च है, विच मीन्स लाइक अभी भी 10 दिन है मेरे शो को, तो मुझे कहीं पे भी बाहर जाना नहीं है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं है। सो आई एम कैरिंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग। वैक्सिंग हो गई है, फिर भी 10 दिन बाकी है शो के लिए, तो थोड़े हेयर यू नो ग्रोथ हो सकता है, तो एक्स्ट्रा यू नो क्या बोल सकते हैं उसको, इसको क्या बोल सकते हैं यार, हेयर निकालने के लिए। ओके मॉर्निंग एंड बिफोर गो टू बेड मैं आलमंड मिल्क पीती हूँ, तो मैं मेरा खुद का यहाँ से एक टेट्रा पैक में कैरी कर रही हूँ। वेंग स्किल, मेरी पोजिंग शूज़ एंड सीरीज पोजिंग शूज़ मैं एक्चुअली मेरे चेकिंग बैग में नहीं लेती बिकॉज पता है लास्ट टाइम जब मैं इंटरनेशनल फ्लाई कर रही थी तो मेरी बैग चेक इन किसी और फ्लाइट में हो गई थी, तो आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क। इसके लिए मैं हमेशा हैंड बैग में बिकिनी, पोजिंग शूज़ और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई थिंक, और मेकअप। ऑफकोर्स प्रोटैन भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट प्रोटैन लिक्विड होने की वजह से हम यू नो हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं हमेशा हैंड बैग में कैरी करती हूँ। ये डेफिनेटली मुझे चेक इन बैग में ही लेना पड़ेगा। देन दिस आर द थिंग्स एंड दिस इज़ माई एयरपोर्ट बैग। ये लास्ट मिनट में मैंने पैक किए हैं, लाइक मेरे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड विटामिन सी सीरम। ये मेरी प्रेप बुक है, लाइक हर प्रेप में मैं एक बुक बनाती हूँ, लाइक मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, किस तरह से मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, कौन सा मेरा डाइट है, किस फूड से मुझे एलर्जी है या कौन सा फूड मुझे अच्छे से डाइजेस्ट होता है, स्पेशली इन पीक वीक, सब कुछ नोट करती हूँ। सो ऐसे मेरे सारे प्रेप के सारे बुक्स हैं और ये यू नो ये बुक भी मैं मेरे साथ कैरी करने वाली हूँ। दिस इज पासपोर्ट बैग ऑफकोर्स, मेरे तीनों लाइक तीन पासपोर्ट, श्रुति, मैं और ओनकार। हमेशा मुझे एयरपोर्ट पे पेन ढूंढना पड़ता है, सो मैं हमेशा मेरे साथ एक एक्स्ट्रा पेन कैरी करती हूँ एंड चार्जर, ग्लासेस एंड व्हाट अदर थिंग, बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ लाइक अ लाइफ सेवियर इन माई इंटायर प्रेप। सो जब भी मुझे भूख लगती है मैं शुगर फ्री ये चिंगम्स जो है वो खाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है कि मुँह चालू है, कुछ तो खा रहे, ऐसा फीलिंग आता है एंड उतना रिजल्ट को हैम्पर भी नहीं होता है। ओके दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, थाईलैंड भात।
ये बहुत काम आएंगे और मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ से रुपीस जो है बाद में कन्वर्ट करके लेकर जा रही हूँ ताकि मुझे लास्ट मिनट पे यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। एंड व्हाट आर द थिंग्स, मेरी पर्स बस वो किसी काम की नहीं बिकॉज मैं रुपीस कैरी कर ही नहीं सकती हूँ। एक्स्ट्रा मास्क, अगर मेरी हमेशा आदत है कि मैं मास्क भूल जाती हूँ इधर उधर, सो एक्स्ट्रा मास्क लिए हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी फ्लाइट एक्चुअली 11 o'clock की है, रात की 11 o'clock की है, सो वी हैव टू लीव फ्रॉम हियर अराउंड 7 o'clock। सो अभी इंटायर डे एटलीस्ट 4 to 5 days के मील मैं बनाने वाली हूँ और वो मैं क्या बनाने वाली हूँ और कैसे बनाने वाली हूँ और किस तरह से वो मैं कैरी करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू लीव, हाफ एन आवर बचा है, 6:30 हो गए हैं एंड 7 o'clock वी हैव टू लीव। सो जस्ट हाफ एन आवर बिफोर मैं सारे मील्स जो फ्रिज में मैंने पूरे दिन बना के रखे थे वो मैं निकालूंगी। मैंने कुछ मील जो है लाइक लिक्विड बेस्ड मील जो है वो मैंने फ्रीजर में रखे थे ताकि थोड़े से हार्ड हो जाए और यू नो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या और कितनी मील्स साथ में कैरी किए हैं। सो ऑलमोस्ट लाइक 4 दिन के मील्स है, मुझे पता है 1 दिन क्वारंटाइन है एंड उसके बाद आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन एनी बडी। अगर मुझे मार्केट में लोकल मार्केट में कुछ मिला नहीं मिला तो मुझे कुछ भी नहीं यू नो खाना है। प्लस मुझे पता है कि उतनी एनर्जी मुझ में नहीं रहेगी कि मैं होटल के बाहर जाऊँ और कुछ मेरे लिए ग्रैब करूँ। सो एटलीस्ट 4 दिन के ये मील्स हैं। ओके ये कुछ मटन्स है, मटन के मील है एटलीस्ट 5 to 6 मील है। यस यू हर्ड इट राइट, मटन में लाइक इट डिपेंड ऑन माई कंडीशन। मेरे कोच जो है गुरु जॉर्ज फराह वो सारे टाइप के जो मीट्स है सारे टाइप के जो प्रोटीन्स है वो डाइट में ऐड करते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, डिपेंड ऑन योर कंडीशन। सो मटन, ये एग वाइट्स है, अगेन लिक्विड फॉर्म में ये मील है 3। एंड ये मैंने एयर फ्राई किए हुए लाइक टिलापिया फिश है। सो ये सिर्फ मैंने मेजर नहीं किया है बिकॉज मुझे पता है कि मैं वजन काटा मैं साथ में ले रही हूँ तो मुझे जितना भी चाहिए उतना मैं वजन करके मैं ले सकती हूँ बिकॉज इतने सारे डब्बे कैरी करना समटाइम्स यू नो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो जो एग वाइट्स है उसे मैंने मेजर करके लिए है, मटन जो है चिकन जो है वो मेजर करके लिया है, ये मैं साथ में ले रही हूँ। इतने सारे मील्स साथ में, कुछ हर्ब्स है, स्पून्स है ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए, लाइक मुझे अगर लगा के प्लेन में अगर मुझे कॉफ़ी पीना है तो मैंने खुद का मग लिया है यू नो। वाटर भी मैं खुद का साथ में लेकर जाऊँगी बिकॉज मुझे पता है कि मैं बाहर का पानी पीने से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लाइक बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। एंड प्लस एट दिस स्टेज आई एम सो डिप्लीटेड राइट नाउ कि मेरी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। सो अगर मैंने बाहर का कुछ भी कंज्यूम किया तो हाई चांसेस है कि मैं बीमार हो सकती हूँ। सो कप, वजन घटा और ये सारे मील्स अभी मैं ऑर्गेनाइज करके अच्छे से इसमें पैक करूँगी। इसमें है ओके ओके इसमें मैं थाईलैंड लेकर जा रही हूँ कड़ी पत्ता, टिपिकल इंडियन। मुझे पता है कि लाइक कार्ब लोडिंग के दिन मुझे पता है कि मेरे कोच राइस डेफिनेटली खाने के लिए देने वाले, सो प्लेन राइस समाओ वो गल्प करने के लिए विदाउट वाटर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो मैं लाइक करी लीव्स का तड़का देके मैं कुछ तो फॉर्म में बनाऊंगी राइस फॉर्म में और उसे मैं खाऊंगी। और क्या है और क्या है और क्या है, प्रोटीन, यस प्रोटीन डब्बा मैंने लिया है एंड आई थिंक दैट्स इट। कॉफी, ब्लैक कॉफी साथ में कैरी की है। जैसे जैसे मुझे दिखता है याद आता है मैं आपको दिखाती जाऊंगी। सो दीज आर द मील्स फॉर नेक्स्ट 4 days। ओ यस आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू टेल यू, मशरूम्स।
सो मुझे पता है कि ये मैंने मशरूम जनरली लोगों को मशरूम खाने से एलर्जी होती है. प्लस अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ, तो आई डोंट नो वहाँ के मशरूम्स कैसे हो गए, मेरी बॉडी अडॉप्ट करेगी या नहीं. और यहाँ के मैंने कंज्यूम किए हैं, मेरी बॉडी यूज्ड टू है, तो इसके लिए मेरे डाइट में मशरूम ऐड है, तो मैं मशरूम साथ में कुक करके लेकर जा रही हूँ. एथलीट बनना इज नॉट अ इजी टास्क. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कितना पर्टिकुलरली सब कुछ चीजें कैरी की है मेरे साथ. एक भी चीज मुझे बाहर की कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक एट दिस पॉइंट, जब मैं सिर्फ 10 डेज आउट हूँ मेरे शो से. सो सारी की सारी चीजें मैं कैरी कर रही हूँ. इनफैक्ट जो मैंने आई थिंक प्रीवियसली मैंने आपको बोला कि मैं एपिगामिया का जो आलमंड मिल्क है मैं कंज्यूम करती हूँ डेली, वो भी मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ. नाउ दिस इज द मोस्ट हार्ड पार्ट फॉर मी टू से गुड बाय टू माई लिटिल मॉन्स्टर माऊ. सो माऊ जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेंटली इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ. और मैं क्या बोलूँ, और फर्स्ट टाइम मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ. अभी तो हमेशा उसके साथ श्रुति रहती है, बट वो भी मेरे साथ आ रही है. तो दिस इंटायर हाउस इज़ फॉर हर. डेफिनेटली मेरी हाउस हेल्पर जो है वो रहेगी इसके साथ, बट नेक्स्ट 15 डेज शी विल बी अलोन और मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी. एंड आप सभी को पता है, आपने मेरी इंस्टा स्टोरीज देखते हैं, डेली स्टोरीज देखते हैं, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ. लाइक इतना तो मैंने श्रुति को कहीं ट्रिप पे छोड़ते हुए भी नहीं, इतना मैं इमोशनल हुई और इतना मैं वरी कर रही थी. बट 10 बार मैं जो हाउस हेल्पर है उसको मैंने 10 बार बोला कि उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना. और पूरा इतना बड़ा घर मैं खुला रख के छोड़ के जा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर. माऊ माऊ निकलने से पहले पापा की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. इस टाइम मैंने बहुत मेहनत की है, बट फिर भी मुझे उनकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Sick now to leave. जल्दी आ गए बिकॉज आई थॉट कि ट्रैफिक लगेगा, बट फॉर्चुनेटली ट्रैफिक नहीं लगा और हम बहुत जल्दी पहुंच गए. 8 o'clock ही हो गए, हमारी फ्लाइट 11 o'clock पे है, सो वी कैन गो इनसाइड एंड चिल, आराम से सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं. सो Oh,
डब्बा इतना टाइट पैक किया है, इतना डब्बा टाइट पैक किया है कि अभी खुल भी नहीं रहा है। और ऑफकोर्स हैंड बैग में हम सीजर या कुछ भी शार्प चीज़ कैरी नहीं कर सकते, तो मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है। देख सकते हैं हाफ ही डब्बा ओपन हुआ है, हाफ डब्बे में से मैं इसे निकाल के खा रही हूँ।